बिल्कुल सीधी रखना है और ये बेटे चेन ये। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये जो पैर है ना इसको ध्यान देना, ये वाला तो निकल ही रहा है, लेकिन और एक चीज याद रखो जब आप यहाँ से यहाँ की। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। जैन साथियों कैसे हो सभी, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेडी फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ हाई जंप के कुछ एक्सरसाइजें, जो बहुत सारे बंदे हैं जो हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हाई जंप की कुछ एक्सरसाइजें दिखाइए, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देते। बहुत सारे जैसे बहुत सारी भर्तियाँ चल रही हैं जिसमें से हाई जंप प्रॉपरली मांगा गया है, किसी का 3 फीट किसी का 4 फीट। तो ये जो मैं एक्सरसाइजें दिखा रहा हूँ ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है, ये दोनों कर सकते हैं। इसमें से आपको जैसे बहुत सारे नए बच्चे होते हैं वो बिना एक्सरसाइजों के हाई जंप करने लगते हैं, इसके बाद उनके पैरों में पेन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें, खिंचाव आ जाता है स्ट्रेच यानी मसल्स में भी खिंचाव हो जाता है और यहाँ पे ग्रोइंग पेन भी हो जाता है। तो दोस्तों याद रखो इन एक्सरसाइजों को कंटिन्यू करना है, इसके बाद जब आप करने जाएंगे तो कम से कम आपको 3 बार करना है, ज़्यादा बार नहीं करना है। इन एक्सरसाइजों को करिए फिर 3 बार करिए, यानी डेली का रूटीन रखिए, 3 बार से ज़्यादा मत करिए। अगर आप 3 बार से ज़्यादा करते हैं तो आपके पैरों में पेन होगा अगर आप ये एक्सरसाइज लेकिन ये एक्सरसाइज मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको, इन एक्सरसाइजों को आपको कंटिन्यू करना है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि ये है, मान लो जैसे गर्ल्स का ये 3 फुट लेते हैं, तो जब बहुत सारे बंदे होते हैं क्या करते हैं कि जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो पूरा जैसे जंप कर रहे हैं, उनको टेक्निक नहीं पता, कुछ लोग सामने से कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जब जैसा कोई नया बंदा है उसका पैर नहीं खुल रहा है तो वो कैसे करेगा, ये पैर कैसे उठाएगा, कैसे निकालेगा, वो तो ज़बरदस्ती अपनी ताकत के दम पे जंप करेगा। जैसे ताकत के दम पे जंप करेगा तो वहाँ पे नीचे जब जाएगा लैंड करेगा नीचे तो उसके पैरों में पेन होगा। अगर आप ये एक्सरसाइजें करते हैं और ये टेक्निक सीख लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपको हाई जंप में एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा कि मेरे साथ 2 स्टूडेंट हैं, मैं इनके साथ आपको प्रॉपरली वे पे एक्सरसाइजें दिखाऊँगा और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये एक्सरसाइजें जो हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकती हैं। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको ये एक्सरसाइज। अब गुड, शाबाश बेटे, शाबाश बेटे, ऊपर खींच और ऊपर पूरा खींच और ऊपर पूरा खींच, शाबाश बेटे, पूरा खींच के पूरा ऊपर और पूरा खींच के शाबाश। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको दिखा रहे हैं इसमें भी आपकी पूरी की पूरी ग्रिप खिलेगी, जिसमें से आपको हाई जंप में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, जैसा मैं 2 स्टूडेंट हैं मेरे इनको मैं दिखाऊंगा, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप कमर पर हाथ लगाएंगे इसके बाद पूरा का पूरा सामने आपकी नज़रें होंगी, सामने फोकस होगा, इसके बाद आपको साइड में पैर पूरा मारना होगा, ये और ये इस तरह। रेडी है बेटे? यस। अब गुड, शाबाश बेटे, थोड़ा और खींचो पैर को, गुड, हाँ शाबाश। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें से आपको क्या करना है कि आपको पूरा ग्रिप खोलना है। जैसे आप ग्रिप खोलेंगे, ये जैसे पूरा ग्रिप खोलेंगे तो यहाँ पर जब ये पूरा ये खींचा होगा तो जब आप हाई जंप करने जाएंगे, क्योंकि जब हाई जंप करते हैं तो पूरा पैर उठा के जब मारेंगे तो जब ये पूरी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रिप खुल जाएगा। जब ये ग्रिप खुल जाएगा तो आप जितना भी ऊपर पैर को मारना चाहेंगे जितना उछाल तो आ जाएगा, लेकिन जब ऊपर पैर जाएंगे ये खुलेगा नहीं। तो इन एक्सरसाइजों से जो एक्सरसाइज हम दिखाने वाले हैं इससे पूरा का पूरा आपका पैर खुलेगा, जब पूरा पैर खुलेगा तो जो ये पैर नीचे लड़ता है डंडे पे वो नहीं लड़ेगा। तो मैं एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूं, यस डाउन चेन 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 रिलैक्स। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एक्सरसाइज आपको करना है, यानी होल्ड करना है आपको बॉडी को पूरा, यानी खिंचाव देना है, ग्रिप को पूरा खिंचाव देना है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आप ये और याद रखना एक्सरसाइज गलत तरीके से मत करना, गलत तरीके से करेंगे तो आपके एंकल में पेन होगा और आपके थाई में भी पेन हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जब ये पूरी बॉडी को खींचेंगे ध्यान दीजिए कि इस वाले पैर के सामने ये वाला पैर होगा, लेकिन वो भी पंजे में, ये वाला भी पंजे में होगा और आपको पूरा का पूरा इस ग्रिप
का खिंचाव देना है, यानी पूरा जब बॉडी आप ले जाएंगे तो एक कमर को बिल्कुल सीधी रखना है और ये ऐसे देखना है। जब यह ऐसे करेंगे और ये पीछे वाला पैर सीधा रहेगा तो यहाँ पे पूरा ग्रिप ये खिंचाव होगी तो आपकी स्ट्रेच होगी बॉडी, यानी पैर स्ट्रेच होगा तो आपके स्टेप खुलेंगे। जब स्टेप खुलेंगे तो आप जब हाई जंप करेंगे तो आपका पूरा पैर खुलेगा ऊपर जाके। डाउन, कमर पूरी खींचो बेटे, पूरी खींचो, हाँ पूरा पैर सीधा रखो। ये चेन, हाँ पंजे पे आओ आगे, चेन पूरा बॉडी को सीधे रखो, चेन पूरी पूरा सीधा रखो, ये चेन 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 चेन। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें बता देता हूं डीपली, जैसा कि हमारे पास न यहां बालू है ना तो गद्दा है, मैं सिर्फ आपको सिंपल एक टेक्निक बता रहा हूं, बाकी आपको इसमें टाइट ज़मीन पे नहीं करना है। आपको करना है या तो यहां पे गद्दा होगा या तो बालू होगी तभी करना। अगर आप ऐसे में करेंगे तो एक भी परसेंट नहीं करना है आपको, अगर आप ऐसे में करेंगे, सिर्फ मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, अगर आप इसे करेंगे तो आपके पैरों में दिक्कत हो जाएगी और मोच हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूं कि जब आप ये वाला पहले पैर निकालेंगे तो जब ये वाला पैर होता है ये वाला, इसको पैर को पूरा सीधा रखना है, क्योंकि जब जो बंदे जो बॉयज करते हैं तो जब ये ऊपर जाते हैं ये वाला पैर तो निकालना आसान है, लेकिन अगर ये वाला ऐसे फोल्ड करके निकालते हैं तो ये समझ लो कि ये डंडे में लग जाता है, इसलिए ये गलती करते हैं, बच्चे कर नहीं पाते। तो एक चीज़ बहुत अच्छी टेक्निक है, आपको सीधे इस पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। जब सीधा रखेंगे तो ये पहले निकाल देंगे, ये वाला बाद में निकल जाएगा, तो आपकी 4 फुट आसानी से हो जाएगी और गर्ल्स की भी 3 फुट आसानी से हो जाएगी। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, ये तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये जो पैर है ना इसको ध्यान देना, ये वाला तो निकल ही रहा है, लेकिन और एक चीज़ याद रखो, जब आप यहाँ से यहाँ की दूरी ये समझ लो, ज़्यादा दूरी नहीं लेना, आपको एक सर्किल बनाना है यहाँ पे, इसके बाद उस पैर को ये वाले पैर को यहाँ पे रखना है, इसके पहले निकालना है, इसके बाद इसको बाद में निकालना है, देखना ध्यान देना। ये तो दोस्तों ये एक्सरसाइजें मैंने आपको दिखाई हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये एक्सरसाइजें अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बगल में बेल आइकन होगी उसको दबा दो दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूँ और बहुत सारे और एक्सरसाइजों की वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।